पी तो नून नहीं है ना, हाँ पी यू भी नोन नहीं है, यू भी नून नहीं है, तो कैसे काम चलेगा वैसे? मतलब ये नोन रहेगा तब ना मैक्सिमम एंगल पता चलेगा, कुछ पता नहीं है तब कैसे पता चलेगा। ये तो तो जनरल हो गया ना कि यू मतलब तो एटलीस्ट नोन है ना। यू दिए। अच्छा टी टी को भी यू के फॉर्म में रखना है तो देखो चलो हम करते हैं बारिश को, यही इक्वेशन, इक्वेशन यही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जरा। इक्वेशन अपना है, अरे यार ये क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डॉट यू प्लस ए टी, यही ग्रेटर होना चाहिए 0 का, ठीक है? थोड़ा सा प्लीज पहले से समझा सकते हैं, हम सुन नहीं पाए, नेटवर्क इश्यू हो गया। आर डॉट वी 0 होगा, ये क्लियर है ना, ग्रेटर 0 होगा, सॉरी। तो यहाँ बस तक वही हम समझ। लिखे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डॉट यू प्लस ए टी ग्रेटर, ये आर डॉट वी ग्रेटर 0 हो गए तो क्लियर है ना, वही लिख दिए। अब यू को हमको चूंकि थीटा पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है ना, थीटा मैक्स, तो इसको डेलिब्रेटली हम ऐसा लिख रहे हैं, यू कॉस थीटा इंटू टी, या इसको ऐसे लिखना चाहिए मेरे को, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप इंटू टी प्लस हाफ जी माइनस जे कैप, नीचे नेगेटिव मांगे माने हुए हम लोग, और एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो है ही नहीं, टी स्क्वायर। इसी का, इस पूरे चीज का डॉट यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप प्लस जी माइनस जे कैप इंटू टी। भैया इसमें अलग अलग करके नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि आप साइन थी आई कैप और जे कैप एक साथ लिखे, हम अलग अलग वही चीज लिख रहे थे। हाँ मतलब देखो ना, 1 मिनट, अलग अलग तुम दोनों को अलग अलग इक्वेशन बनाइए ना, एक्स के लिए अलग वाई के लिए अलग, हाँ मतलब हाँ बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, वही हम कर। देखो ध्यान से देखना, तो यू कॉस थीटा आई कैप इंटू टी लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे चलो एक बार लिख देते हैं, यू कॉस थीटा टी आई कैप, और प्लस में लिखा हुआ है यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू जे कैप, यही लिखा हुआ है पहला टर्म, डॉट यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, यही है सेकेंड टर्म, ठीक है यहां तक? यहां तक ठीक है हाँ ना? भैया, तो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट, यू कॉस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, ठीक है? फिर जे कैप का जे कैप के साथ डॉट, दैट मीन्स यू साइन थीटा, ये ऑब्वियसली ये ग्रेटर 0 है, यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स यू साइन थीटा माइनस जी टी
ग्रेटर जीरो, यही क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आया ना। हाँ अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इक्वेशन क्या है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स यू साइन थीटा माइनस जी टी ग्रेटर जीरो। इसको जरा सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो आई मीन, तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखते रहना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है आप लोग देखते रहना, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी फिर माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी स्क्वायर बाई टू फिर माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू और इधर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, ये पूरा ग्रेटर होना चाहिए जीरो। ये ठीक लिखा हुआ है क्या? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, पीछे हमको ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत है। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक क्या? है ठीक है ना। ठीक हाँ एक मिनट हम देख लेते हैं। यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप माइनस जी टी जे कैप, इधर यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप टी प्लस हाफ है ना, यू कॉस थीटा टी प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू, इधर यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ठीक ही है हमको लगता है। ठीक है यू साइन थीटा में टी छूट गया शायद। यू साइन थीटा, अच्छा हाँ हाँ यू टी होता है ना, यू टी होता है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी होगा। ऊपर यू, यहाँ भी होगा ना, ये भी टी होगा ना, में छूट और गया, ये यू टी नहीं साइन होगा, थीटा सिर्फ ये लिखा टी है। नहीं होगा, ये टी नहीं होगा। वहां टी नहीं होगा, वहां टी नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे होगा यू स्क्वायर एक मिनट एक साइन स्क्वायर मिनट एक थीटा मिनट, टी। यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे टी छूट गया नहीं, यहीं पे बोल रहे हैं। ये टी छूट गया, इधर तो ठीक है, इधर वाला ठीक है। हाँ ठीक तो यहां तक ठीक है, यू कॉस थीटा टी इंटू यू कॉस थीटा दैट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी, ये ठीक है पहला टर्म। फिर है यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर, और इधर है यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है तो यू साइन थीटा टी इंटू यू साइन थीटा। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ रहे हैं। यू साइन थीटा टी इंटू यू साइन थीटा दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये ठीक लिखे हम। फिर ये यू साइन थीटा टी इंटू माइनस जी टी होगा, यानी कि यू साइन थीटा माइनस में, और यहाँ जी ठीक है, और टी का स्क्वायर हो जाएगा क्या, है ना, फिर माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन टू और इंटू यू साइन थीटा, ये भी ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है अब ठीक है, आई गेस अब ठीक है, ये ग्रेटर होना चाहिए जीरो। तो यहाँ पे यू स्क्वायर इंटू टी अपन कॉमन कर लेंगे और एक क्या, क्यों होगा ना, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड हाँ
रिक्वायर टी क्यूब बाई टू। कहाँ टी क्यूब बाई टू? अच्छा जी जी टी स्क्वायर बाई टू माइनस जी टी, तो जी स्क्वायर टी क्यूब स्कोर हो जाएगा। क्या? हाँ वही बोल रहे। जी स्क्वायर टी क्यूब बाई टू। अच्छा जी स्क्वायर टी क्यूब बाई टू हो गया। नहीं तो हाँ एक मिनट, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी, तो ये यू स्क्वायर इंटू टी हो गया ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म ठीक है ना? यू स्क्वायर इंटू टी हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया। ठीक फिर ये माइनस यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो गया माइनस? हाँ जी टी स्क्वायर। हाँ क्या क्या हुआ? यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर होगा, बोल हाँ सही है वो, रहे हैं यू साइन हाफ भी थीटा। होगा लेकिन, क्या हाफ भी होगा उसमें सर। यू साइन थीटा टी और पहला था यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू टी, फिर दूसरा हाँ टर्म ये यू सही है साइन तो। थीटा टी इंटू माइनस में, तो यू साइन हाँ सही थीटा है। इंटू जी टी स्क्वायर नहीं है, तो हाँ है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, सही है। तो -3/2 यू साइन थीटा जी टी स्क्वायर। ठीक, और प्लस जी स्क्वायर टी क्यू अपॉन टू, यही और ये ग्रेटर जीरो होना चाहिए, ये जीरो। पूरा ग्रेटर जीरो होना चाहिए ना। अब क्या इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जरा बताओ क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर टी का वैल्यू भी रखना है। टी का वैल्यू पता नहीं है? टी के वैल्यू के बारे में नोन है आपको कि टी क्या है? टाइम तो टाइम नोन है आपको? नाइन टाइम क्या है? नहीं, मतलब यू मतलब साइन थीटा में करना है, टू यू साइन थीटा बाई जी उसका वैल्यू लिखना अरे टाइम ये आर्बिट्ररी टाइम है ना, ये आर्बिट्ररी है। हाँ टाइम है कोई। अच्छा एक बार सोचो, थोड़ा सा थोड़ा सोचो, ये मैथमेटिक्स का चीज है, थोड़ा सा आराम से सोचो क्या होना चाहिए। हम 2 मिनट का ठीक
अच्छा देखो हम बताते हैं, 45 ही आएगा सर। इसमें अगर पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टी सी डिवाइड दे दे तो कोई आपत्ति है? ये क्यूबिक हाँ वो इक्वेशन है तो ना। एक टी, अरे टी से एक टी डिवाइड दे उससे दिया जाए खत्म हो लचेस आर एच, जाएगा। इसमें तो कोई आपत्ति है? टी नहीं एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, टी टाइम। हाँ भैया, हाँ अरे टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? हाँ भैया, तो टी से डिवाइड देने में कोई आपत्ति नहीं, दे सकते हैं। तो जब डिवाइड देंगे तो यू स्क्वायर माइनस 3/2 यू साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया भाई निकाले हैं। तो ये निकाले हैं तो अब क्या किए इसके बाद? टी का वैल्यू पुट करती हैं। टी का, टी आर्बिट्रेरी है तो कैसे पुट कर देंगे, टी फिक्स थोड़ी है। अच्छा ये बात बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्नेहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई शुड नॉट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअली इट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, हाँ और वो ग्रेटर देन 0 है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 कब होता है? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपना बना है वो क्या बना है? यही बना है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/2 यू साइन थीटा जी टी और प्लस यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यही है क्वाड्रेटिक अपना, यही है क्वाड्रेटिक। साल नहीं, हाँ भैया, मैथ्स, हाँ अरे मैथ्स। हाँ हाँ है। तो मैथ्स क्वाड्रेटिक 0 ग्रेटर 0 कब होता है? जब दोनों को प्रोडक्ट जीरो होता है, मतलब अरे प्रोडक्ट 0 होता है तो ग्रेटर पॉजिटिव नहीं होता है। होता है तब। नहीं अरे ये नहीं याद है, लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह हम लोग पढ़े हैं, याद है? अनामिका तुमको पता है कब होता है? जब कब? जब उसके जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स के थ्रू ना फाइंड आउट करते हैं, जैसे किसके थ्रू? कि उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हाँ इन दिस केस, मतलब केसेस के अंदर बनाते हैं होता जिसको कब रियल लाइन वो में हमको यूज मत होता है। बताओ, उतना कब होता है वो इतना बता दे। पॉजिटिव होगा जब तब, जो जो उसका ये ए जीरो होता है, मतलब A0, अरे A0 होगा तो क्वाड्रेटिक ए ही जो खत्म होता हो है जाएगा। ग्रेटर, अरे A0 तो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या होता है? AX स्क्वायर प्लस BX भैया प्लस C। A0 कर दिए तो क्वाड्रेटिक ही गायब हो गया। लो क्वाड्रेटिक ही गायब। हाँ अरे A0 करेंगे तो ए क्वाड्रेटिक ही जीरो गायब नहीं, हो जाएगा। ए जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं ये होती बोल है। रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सुनते तो क्या ही नहीं बोल मेरा, रही आधा सुनते हैं आधा हो? प्रेडिक्शन करते हैं आप। अरे A0 बोली क्लियरली तुम यार। वही तो कर रहे कि आधा सुनते हैं मेरा बात, आधा प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा बोली होगी। तो A0 सही बोली कि नहीं है, बोली हमको इतना बताओ सिर्फ। ए ग्रेटर देन जीरो बोले। A ग्रेटर देन 0,
तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर जीरो हो जाएगा। नहीं देखो ध्यान से, एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ए ग्रेटर अगर जीरो है तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पैराबोला अपवर्ड होगा, हाँ और अगर ए लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। अरे इतना पता है कि नहीं पता? नहीं अरे पता था भैया, ये तुमको नहीं पता था? ये हम इक्वेशन देखने, तुमको नहीं अपना हम वो देखने भी बोले थे, क्या कहते हैं, लेक्चर। पता है, ये पता है। अच्छा तो लेक्चर में भी हम ये अगर कोई डिस्कस एक्चुअली किए हैं। क्वाड्रेटिक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किस समय पूछ रहे थे उस समय हम बताना चाहिए था, अभी सुनते हमको नहीं है, बताना। कभी नहीं सुनते। अब हमको बताने दो एक बार, बाद में बताना। ए ग्रेटर जीरो होगा तो पैराबोला अपवर्ड, ए लेस देन जीरो होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब क्या है कि अपवर्ड पैराबोला का तीन केस कौन कौन सा? एक तो कि अगर वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये कोई कर्व है पैराबोला का, जिसको एफ एक्स बोल रहे हैं, और एक्स इसको जस्ट टच करे किसी एक पॉइंट पे, एक केस ये। एक केस कि इसको दो पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, और तीसरा केस कि कोई रूट ना हो। ये इसका मतलब है कि वन रियल रूट, अल्फा इक्वल बीटा, रूट्स को बोलते हैं ना अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक में बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ भैया बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल हो गए ना जब एक जगह पे टच कर रहा है, तो यानी वन रियल रूट, अल्फा इक्वल बीटा। और यहाँ पे अल्फा अलग और बीटा अलग, डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और यहाँ पे नो रियल रूट, कट ही नहीं कर रहा है, नो रियल रूट। ये तीन केसेस पढ़े हैं आपने, और हाँ सेम तीन केस चलता है डाउनवर्ड के लिए। मतलब एक तो जस्ट टच कर दे, एक तो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर दे, और एक कहीं इंटरसेक्ट ना करे। तो नो रियल रूट, डिस्टिंक्ट रूट, और वन रियल रूट, ठीक। और ये नो रियल रूट वाला, नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है रूट्स का, रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? डिस्क्रिमिनेंट अनामिका वाला ना, ये फॉर्मूला पढ़ी हो, -b+- अंडर डिस्क्रिमिनेंट रूट वाला बी डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर माइनस फोर ए सी थोड़े अपॉन 2a। से 2a। हाँ पढ़े हैं, वही बोले अब इससे डिस्क्रिमिनेंट वही वाला। वही अब मत बोलो, वही वही सब हमेशा तुम वही बोलती हो। नहीं आप ये सुनते बी, नहीं है, मुझे अच्छा बात ठीक ये है है। चलो हम ही नहीं सुने। b² - 4ac अगर लेस हो जाए जीरो के, तभी ना ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नो रियल रूट। हाँ क्वाड्रेट ये जो मैंने ऊपर बनाया है ऐसे, क्वाड्रेटिक ये ग्रेटर जीरो का कंडीशन है कि नहीं? पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक अपवर्ड लाई कर रहा है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के अपवर्ड है, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर जीरो का कंडीशन है ये, ठीक। और इसमें ऑब्वियसली ए जो है वो ग्रेटर जीरो है, इस वाले कंडीशन में ए क्या है, ये जो अपवर्ड पैराबोला बना है ए जीरो, ए ग्रेटर जीरो के लिए बना है ना, और ए ग्रेटर जीरो के लिए पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने का मतलब है कि कोई रियल रूट ना मिलना, और कोई रियल रूट ना मिलने का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस जीरो होना। स्नेहा समझ में आ रहा है बात? भैया समझ में आ रहा है ना क्या क्या बात बोल रहे हैं हम, हाँ आ रहा है। कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है?
नहीं, सिंपली क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, आ रहा है समझ बस में। बस बहुत बढ़िया। तो हमारा कंडीशन भी अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है टी स्क्वायर, उसके आगे का टर्म जी स्क्वायर अपॉन टू है, ये पॉजिटिव है ये पूरा का पूरा। हाँ तो ए पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक ग्रेटर जीरो होना चाहिए और ए पॉजिटिव है हमारे कंडीशन में, तो मतलब ये वाला खेल चल रहा है, ये जो जिसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इसी को डी बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट डी बोल देते हैं। डी क्या होना चाहिए, लेस जीरो होना चाहिए साल, नहीं? ग्रेटर देन जीरो अरे बोलो यार। होगा अरे यार ग्रेटर जीरो अगर होगा ये वाला चीज, तो ये ग्रेटर जीरो होगा तो पॉजिटिव हो गया ना, ग्रेटर जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर ग्रेटर जीरो हो गया तो ये अंदर वाला रूट का क्वांटिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो बट पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव का करना है रूट ना। डिफाइंड होता है, पॉजिटिव का रूट डिफाइंड होता है कि अनडिफाइंड होता है ये बताओ। डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है, तो यहां से एक्स का वैल्यू जो भी आप निकालोगे वो कुछ रियल निकलेगा ना, रियल रूट मिलेगा। हाँ। लेकिन जब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक अपवर्ड है, ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस पे इस पे कट कर रहा है क्या क्वाड्रेटिक, नहीं, तो इसका मतलब इसी को लिखे थे ना कि नो रियल रूट। रियल रूट है यहाँ पे, अरे यार एक्स एक्सिस पे कट करता दो अलग अलग जगह पे, तब ना रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं। हाँ और अगर एक जगह पे टच करके निकल जाता है एक जगह पे, तो बोलते रियल एंड इक्वल रूट। लेकिन अगर कहीं पर टच ही नहीं किया है तो नो रियल रूट बोलेंगे ना। और नो रियल रूट का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे जो रूट के अंदर का क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तभी ना रियल रूट नहीं मिलेगा। रियल रूट नहीं मिलने का क्या मतलब है पहले ये बताओ। हाँ मतलब वो समझ में आ रहा है, लेकिन थर्ड वाला क्यों ले रहे वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब नो अच्छा रियल रूट मतलब क्यों ये ले रहे थर्ड वाला हैं? कंडीशन क्यों हम ले रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, हाँ नो और सब रियल समझ रूट में आ वाला रहा है। क्यों पिक कर रहे हैं, यही बात ना। हाँ पहले ये बताओ कि नो रियल रूट वाला अगर पिक किया जाए तो उसके लिए डी लेस देन जीरो होगा, ये समझ में आ रहा है पहले ये बताओ, हाँ 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 ये समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये नो रियल रूट वाला ही क्यों चूज किए ये समझ में नहीं आ रहा, यही बात है। तो यार ये यही इक्वेशन सॉल्व करना है ना मेरे को। हाँ ये जो इक्वेशन है इसी को सॉल्व करना है ना, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक ग्रेटर जीरो है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक ग्रेटर जीरो वाला कौन कंडीशन है, यही है ना, क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए, जो पूरा मतलब उसका कोई क्वाड्रेटिक रियल है, रूट नहीं होगा। पूरा जो क्वाड्रेटिक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के उसके ऊपर ऊपर होगा। क्वाड्रेटिक लाई करेगा तब ना पॉजिटिव बोलेंगे, ये बात बताओ। हाँ तो एक्स रियल एक्सिस का के कोई भी ऊपर रूट लाई नहीं। करने का मतलब क्या, कि नो रियल रूट, कहीं पे भी कट किया है वो क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को तो नहीं नहीं कट किया, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं रूट्स एग्जिस्ट करेगा ये बताओ, रूट्स एग्जिस्ट करने का नहीं मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन मिलना। हाँ सॉल्यूशन और रूट्स एक ही बात है ना, भैया तो सॉल्यूशन यहां मिल रहा है इस वाले केस में जब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो नहीं। नहीं मिल रहा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं कोई। ठीक, तो
यही कंडीशन तो है अपना भी, कि इसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रखना है। क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रखना है मतलब कि कोई रियल सॉल्यूशन हमको नहीं मिलना चाहिए, और कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए का मतलब यही है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी फॉर्मूले से निकालते हैं ना, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो रूट, ये जो रूट है वो रूट कब डिफाइन होता है किसी भी चीज का? किसी भी चीज का रूट तभी डिफाइन होता है जब अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर या इक्वल जीरो हो। ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर इक्वल जीरो तभी रूट डिफाइंड होता है ना, डी लेस देन जीरो के लिए रूट नहीं डिफाइंड है ना। रूट नहीं डिफाइंड है मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएगा। जैसे -2 का रूट क्या होता है, इसी को लिख देते हैं ना 2i2, टू आयोटा। 2i2 लिख देते हैं, तो आयोटा रूट टू। तो -2 का मतलब लेस जीरो, और लेस जीरो का रूट कॉम्प्लेक्स आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब एक्स एक्स का वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो। तो डी नेगेटिव के लिए एक्स कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी कॉम्प्लेक्स रूट मिल गया, समझ में आया? रियल रूट नहीं मिला ना, और वही कंडीशन तो चाहिए मेरे को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एक बार। तो इसका मतलब है कि अपने कंडीशन में हमको डी लेस जीरो पुट कर देंगे, और डी जैसे ही लेस जीरो पुट करेंगे वहां से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन अपना क्या है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू साइन थीटा, क्या है यू, सॉरी जी बाई 2 u sin थीटा टी प्लस यू स्क्वायर ग्रेटर जीरो। तो यहां से डी क्या निकलेगा, डी क्या है यहाँ पर, है क्या डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4ac, बी कितना है, 3/2 u sin थीटा जी। सॉरी यहाँ पे 3/2 था ना, हाँ तो -3/2 u sin थीटा जी, यही है बी। हाँ तो स्क्वायर इसका करेंगे तो माइनस प्लस कर जी स्क्वायर माइनस 4a कितना है, a स्क्वायर 2 बाई 2 c कितना है, u स्क्वायर। यू स्क्वायर और यही लेस होना चाहिए किसके, जीरो के, यही है ना। अब यहां से निकाल लीजिए कि साइन थीटा कितना आता है, सब कुछ तो नोन है ना इसमें, जी नोन ही है, यू गिवेन ही है, तो साइन थीटा नहीं निकल जाएगा कितना आएगा, निकाल लीजिए कितना आता है। साइन इनवर्स 2√2। साइन इनवर्स 2√2। साइन इनवर्स 2√2, पता नहीं अब हो सकता आता हो। चलो एक बार हम कर ही देते हैं यार, इतना कर ही दिए हैं तो। डी क्या आ रहा है, 9/4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल जी कितना स्क्वायर प्लस बताए, 4 यू साइन स्क्वायर इनवर्स 2√2। जी स्क्वायर बाई 2, ये लेस होना चाहिए जीरो। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 9/4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन नहीं जी लगता स्क्वायर लेस देन 2 u स्क्वायर जी स्क्वायर। जी स्क्वायर चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है और यू स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्ट काटा जा सकता है। यू स्क्वायर जी स्क्वायर कट गया, डायरेक्ट कट गया, अच्छा कॉमन यहां से लेके नहीं कर सकते हैं। कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो 9/4
साइन स्क्वायर थीटा रूट 3 है, नीचे 3 है, इक्वल सॉरी टू, 2√2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 2 चौके 8/9। 8/9। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। 2√2/3 होगी, कुछ टू हो बाई जाए। थ्री हो। कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ करती हो, कभी कुछ नहीं, साइन स्क्वायर हम थीटा 3 छोड़ दिए थे, अब लेस आपका देन स्क्रीन शेयर करके दिखाए हैं, बोलिए 8/9। ना। नहीं, अरे आंसर क्या आपको बोली स्क्रीन तुम, शेयर वो करके दिखा बोलो सकते हैं। साइन तुम, आंसर क्या बोली वो बोलो। इनवर्स 2√2/3 होगा, तो बीच में मेरा देखे नहीं थे आप यहां उसको। से साइन थीटा लेस देन 2√2/3। 2/3। तो थीटा लेस देन साइन इनवर्स 2√2/3, तो थ्री थीटा लेस देन इस वैल्यू से होना चाहिए। इसका मतलब कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, थीटा तो लेस देन है ना, इससे थीटा इससे लेस होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी से क्या बचा रहा है कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, वही साइन इनवर्स इनवर्स 2√2/3 2√2/3। थ्री। समझ में आया? क्या ये 45 डिग्री है? नहीं, 45 डिग्री का इनवर्स का 2/3 मल्टीपल है। 45 डिग्री का क्या है, ये 2/3 मल्टीपल है इनवर्स का, 1/√2 नहीं, होता है। 45 अब अभी भी के, बोलो, इस बार अभी सुनिए भी मेरा बोलो लॉजिक, कि कुछ एक और बार बोल रहे लॉजिक हैं। सुनिए मेरा, नहीं, अभी भी बोलो कुछ और बोल रहे एक हैं। बार मेरा लॉजिक सुनिए, एक नहीं बार नहीं मेरा आप लॉजिक भैया सुनिए नहीं पहले। नहीं मेरे को हम लॉजिक मेरा क्लियर हो गया है तुमसे। भैया आपका आपका क्लियर हो गया, पैराबोला, मेरा सुन लीजिए। अच्छा ठीक है बोलो शालिनी, तुम बोलो। बोल रहे थे वो जो पाराबोला बताया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा पाराबोला होता है, वो कौन सा वीडियो में है आपका? ये कौन से वीडियो में नहीं है, अपवर्ड और अब डाउनवर्ड पैराबोला का डिस्कशन मेरे वीडियो में, ये रूट्स का डिस्कशन अच्छा। नहीं। ये जो रूट्स है ना, रूट्स वाला जो डिस्कशन हम किए अभी, वो रूट्स का डिस्कशन नहीं है। लेकिन ग्राफ का नेचर कैसा होता है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव रहने पे, वो डिस्कशन है मेरे वीडियो में। कौन सा वीडियो में? जो काइनेमेटिक्स का ग्राफ में, ग्राफ का प्लेलिस्ट एक बना हुआ होगा, काइनेमेटिकल ग्राफ ऐसे करके, तो उसी में कौन सा, आप कौन से एग्जाम, मतलब 3-4 वीडियोस में से देख लेना।